को लेकर WWE काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी, और इन कंफ्यूजन के चलते चलते WWE ने जो कि है एक बैकअप प्लान जरूर रखे थे अगर बाई चांस WWE के प्लान्स फेल हो जाते हैं। तो क्या थे वो जो कि रूमर्स निकल कर आ रहे थे उन बैकअप प्लान्स के लिए, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं वो हरमन, चलिए वीडियो में चलते हैं। ट्रिपल एच, जो कि ट्रिपल एच थे जब तक WWE के कंफर्म नहीं था कि रोंडा रोजी जो कि है वो WWE में आ सकती हैं या कि वो उनके साथ ट्रिपल एच के साथ एक फ्यूड चल सकता है, तब तक के लिए WWE ने एक अच्छा काम किया था जिसमें कि WWE ने जो कि है ट्रिपल एच को ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ जो कि फ्यूड दिखाना शुरू कर दिया था। हालांकि कर्ट एंगल भी थे बट कर्ट एंगल वाला जो कि है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो इस वजह से अब हम उसे बैकअप प्लान में नहीं ले सकते। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करें तो वो की था एलेक्सा ब्लिस के लिए, जो कि एलेक्सा ब्लिस थी उनके लिए नाया जैक्स जो कि थी वो नंबर वन पर रखी गई थी बैकअप के लिए, बट अभी के लिए आस्का है। बट ये मैच जो कि पहले वाला था बैकअप, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो सकता था। हालांकि आस्का वर्सेस जो कि एलेक्सा ब्लिस है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, बट जबकि एक फ्रेंडशिप जो कि टर्न ओवर कर जाती है तो तब के टाइम पर फ्यूड काफी अच्छा रह जाता है, WWE की हिस्ट्री बताती है। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करें तो जो कि आस्का का मैच था वो पहले ओरिजिनली प्लान था शार्लेट के साथ, जैसे कि हमने देखा था रॉयल रंबल पर बिल्कुल भी क्लियर नहीं था आस्का को कि वो क्या करने वाली है, और वो ज्यादातर शार्लेट के आगे पीछे घूम रही थी बिकॉज उन्हें कहा गया था कि शार्लेट के साथ उनका पॉसिबली मैच हो सकता है स्मैकडाउन लाइव पर, बट लेटली उसे चेंज कर दिया गया था जो कि अब जो कि मौका मिला था वो मिला था एलेक्सा ब्लिस पर उन्हें WWE की स्क्रिप्ट के हिसाब से। तो नेक्स्ट अगर हम मैच के बारे में बात करें तो वो मैच था ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए और ब्रॉक लेसनर के लिए। असल में ये दोनों का ही बैकअप प्लान था इन दोनों का मैच रेसलमेनिया के लिए, बट वो ऐसे फ्लॉप हुआ जैसे कि WWE ने तीनों मॉन्स्टर जो कि WWE के रॉयल रंबल पर डाल दिए थे, केन, ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड ब्रॉक लेसनर, जब ये तीनों एक मैच में आ गए तो ये मैच फ्लॉप हो गया था। उसके बाद WWE को पता चल चुका था कि ये चीज जो है हमारी नहीं चलेगी, इस वजह से WWE ने इसे बैकअप का बैकअप ही रहने दिया। उसके बाद जो कि जॉन सीना और अंडरटेकर के जो कि बैकअप प्लान थे वो भी बिल्कुल मैच करते थे। असल में उनके मैन जो कि था वो स्टार्टिंग में एक दूसरे के साथ ही था, बट जो कि जॉन सीना का जो कि मैच था वो एक्चुअली प्लान्ड था बैकअप रे मिस्टीरियो और समाओ जो कि मेनली वो रे मिस्टीरियो के साथ था, और अंडरटेकर का भी जो कि था सेम था रे मिस्टीरियो के साथ। इस वजह से ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, इस वजह से मैंने इसको बिल्कुल सेम ही लाइन में रखा। तो ये थे मेरे टॉप 5 जो कि रूमर्स थे WWE के बैकअप प्लान्स के लिए। तो बताओ यार क्या लगा और इसमें से कौन सा मैच जो कि ओरिजिनली WWE को करना चाहिए था। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, यहां तक वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं वर्मन।